नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बोली ट्रेन पर। दोस्तों, पिछले दो दशकों में कई प्रसिद्ध फिल्म स्टार्स राजनीति में उतर चुके हैं। कुछ फिल्म स्टार्स को अपने इस सफर में जीत मिली तो कई स्टार्स को हार का सामना करना पड़ा। आइए बात करते हैं उन 10 प्रसिद्ध फिल्म स्टार्स की जो इस बार चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा। बीते समय के बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा इस बार भी बिहार के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। शत्रुघ्न सिन्हा इसी क्षेत्र से साल 2009 और साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। हेमा मालिनी। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी इस बार भी मथुरा से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। साल 2014 में हेमा मालिनी ने इसी क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीत दर्ज की थी। जया प्रदा। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा इस बार उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। इस क्षेत्र से जया प्रदा पहले भी दो बार साल 2004 और साल 2009 लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। किरण खेर। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री किरण खेर इस बार फिर चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। साल 2014 में भी किरण खेर ने यहां से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। राज बब्बर। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता राज बब्बर इस बार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। साल 2014 में राज बब्बर ने गाजियाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और हार गए थे। उर्मिला मातोंडकर। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर इस बार मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। रवि किशन। प्रसिद्ध भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन इस बार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से चुनाव मैदान में हैं। साल 2014 में रवि किशन ने जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और हार गए थे। दिनेश लाल यादव। निरहुआ के नाम से प्रसिद्ध भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव भी इस बार चुनाव लड़ रही हैं। निरहुआ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। नुसरत जहान। बंगाली सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री नुसरत जहान पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। नुसरत जहान की उम्र सिर्फ 29 साल है। मिमी चक्रवर्ती। प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल की जादवपुर सीट से चुनाव मैदान में हैं। मिनी चक्रवर्ती की उम्र 30 साल है। दोस्तों, फिल्म और मनोरंजन जगत की अन्य खबरों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।